सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ धीरज महाकालकर। आई एम बी फार्मेसी स्टूडेंट। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ओबियसली कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और ये भी सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबियसली वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे एंड एग्ज़ाम होने के कारण मैं ओबियसली वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज मुझे टाइम मिल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। और एज अ बुक्स जो है हम यूज़ करते हैं, एज अ बी फार्मेसी स्टूडेंट जो भी होंगे आपके, एज आप देख भी रहे होंगे मेरी वीडियो, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करो क्योंकि इसी तरह से मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। एंड आपको हर जो कुछ भी होता है कॉलेज में, जो कुछ भी पेपर्स होते हैं उसकी भी मैं इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं ओबियसली जो भी वीडियो भी बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको वो मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। नाउ आपको सबसे पहले ओबियसली बताना चाहता हूँ कि मैं बुक्स कौन से यूज़ करता हूँ एंड उसी से मैं नोट्स बनाता हूँ खुद के एंड वही मैं पेपर में ओबियसली लिखता हूँ। अब आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट जो बुक है वो निराली प्रकाशन की है। आप चाहे कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एज अ बना सकते हो नोट्स अपने खुद के, उस बुक से प्रोवाइड कर सकते हो इंफॉर्मेशन। बट ओबियसली मैं निराली, ये जो है बुक्स निराली प्रकाशन की बुक है जो मैं यूज़ करता हूँ एंड एज ए ओबियसली मैं लिया नहीं है ओबियसली बुक। आप चाहे तो बाय भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये जो बुक की जो इमेज है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देखकर उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो निराली प्रकाशन की है कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है। फिर और एक बुक है जो मेरे पास है एंड ये है एज अ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सेमिस्टर वन की बुक है। ये अभी ओबियसली बी फार्मेसी कर रहा हूँ एंड ये जो बुक्स है वो फर्स्ट सेमिस्टर के ही है, ठीक है। फिर आता है एज अ ह्यूमन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी की बुक है, ठीक है। ये भी निराली प्रकाशन की ही बुक है, ठीक है। एंड ये मैं यूज़ करता हूँ, खुद के नोट्स बनाता हूँ। अब बात करते हैं ओबियसली पेपर। ओबियसली पेपर मेरा ओबियसली बहुत अच्छे गए पेपर, ऐसा सभी अच्छे गए पेपर क्योंकि और क्योंकि पहले से मैंने उसकी प्रिपरेशन कर दी थी। एंड आपको बताना चाहता हूँ अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो तो खुद के नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर लो क्योंकि फिर पेपर आते हैं तो फिर आप कोई भी फिर उसके उस टाइम में कोई मदद नहीं करता, ठीक है। खुद का ही अपना जो काम है खुद ही किया करो, ठीक है। अब जो ये जो मेरा पेपर था ओबियसली फर्स्ट पेपर था हमारा ह्यूमन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी वन, ठीक है, सेमिस्टर वन था। और ये जो पेपर था ये 30 मार्क्स का पेपर था। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये थे एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज ओबियसली वो जो थे वो 10 मार्क्स थे, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी गाइस, वो विंडो क्लोज हो गया था। तो फिर ये क्या है, ये एमसीक्यूज पूछे गए थे ओबियसली 10 मार्क्स के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वन का पेपर था, उसमें सबसे पहले पूछे गए थे एज अ 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज। फिर उसके बाद आते हैं ओबियसली एज अ लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर भी पूछे गए थे दो, तो उसमें से कोई भी एक लिखना है ओबियसली आपको, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर्स, तो वहाँ पर मुझे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं आपको, ठीक है, पेपर में। तो ये पूरा मिलाकर जो पेपर था वो 30 मार्क्स का था। तो इसी तरह से सभी पेपर हुए। और एक पेपर हुआ था ओबियसली मेरा, ये है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमिस्टर वन, ये भी 30 मार्क्स का था। सभी पेपर 30 मार्क्स के थे मेरे। और अगर आपको ये जो पेपर अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ये पेपर, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको इसके आंसर भी चाहिए तो आप, मैं वो वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको ये इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और इसी तरह से मैं इंफॉर्मेशन डालते रहूँगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।